माइक्रोसॉफ्ट बनाई, दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बने एंड सेल्फ मेड बिलियनर अपॉन दिस अर्थ. उनका बिजनेस पिताजी से नहीं पाया गया था, वारिस में नहीं मिला था. वे छोटे थे तब से उनके मन में एक संकल्प था कि बहुत बड़ी कंपनी बनानी है और उस कंपनी में प्रोडक्ट ये बनानी है कि ये समग्र पृथ्वी के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना से. ही हैड अ ड्रीम टू क्रिएट अ बिग कंपनी एंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपनी शुड बी टू कनेक्ट पीपल. ये विचार था, तो उस विचार में से ये माइक्रोसॉफ्ट पैदा हुआ और कनेक्टिविटी बढ़ी. तो विचार की ऊंचाई से व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है. कभी छोटे विचार मत करना. मैं छोटा व्यक्ति हूं, मेरी कहीं कमजोरियां हैं, मेरी ये मर्यादा है, मैं ये कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, इस सभी से ऊपर उठ के इफ आई डिसाइड आई कैन. मैं विचार रखूंगा, प्रयत्न करूंगा तो जरूर कहीं ना कहीं जगह पे पहुंच सकता हूं. चाय वाला भी प्रधानमंत्री तो बन सकता है ना, वो तो साबित हो गया. बन सकती है ये बात. तो हमारे मन में ये विचार स्पष्ट होने चाहिए. हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज थे जिन्होंने ये विश्वव्यापी हमारी बीएपीएस संस्था बनाई. वे जब गुरुपद पे विराजे तब ये संस्था हमारी बहुत छोटी सी थी. आज हमारी बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था bapsorg वेबसाइट पे देख सकते हैं, दुनिया की प्रथम 10 संस्था में से एक संस्था है. यूनाइटेड नेशंस में हमारी परमानेंट सीट है. और आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा, दिल्ली या गांधीनगर में अक्षरधाम देखा होगा. जस्ट रेज योर हैंड्स, यू हैव बीन टू अक्षरधाम. ऑलमोस्ट लाइक नॉट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू. ऐसे छोटे मोटे हमारा 1200 कैंपस है, 1200 कैंपस ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो आपकी संस्था ने एक बड़ी अच्छी स्कूल यहां बनाई है, ऐसी 70 से ज्यादा, मोर देन 70 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस ये प्रमुख स्वामी महाराज ने सिंगल हैंडेडली खड़ी की और सफल संचालन किया. ये सिर्फ 5 कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन मन में उनको एक संकल्प था, एक विचार था कि भगवान सबका भला करे, सब मनुष्य इस पृथ्वी पे सुखी हो. उनको नैतिकता, प्रामाणिकता और चारित्र के पाठ मुझे सिखाने, ये भगवान स्वामीनारायण का संकल्प था. उसी संकल्प को लेके प्रमुख स्वामी महाराज चले. ये विचार मन में रखा तो इतनी बड़ी संस्थाएं प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़ी कर दी और सफल संचालन किया. आपने जो अक्षरधाम देखा है, ऐसे अभी 4 बड़े कैंपस बन रहे हैं जो 2023-2024 तक उद्घाटित होंगे. सबसे बड़ा अक्षरधाम 265 एकड़ पे रॉबिन्सविले अमेरिका न्यूजर्सी में बन रहा है. आज उसके लिए 6000 से भी ज्यादा कारीगर वहीं राजस्थान में काम कर रहे हैं, पिनवाड़ा, बंसीपाड़पुर. वो उद्घाटित होगा 2021 में, और वो जब उद्घाटित होगा 265 एकड़ पे अक्षरधाम, तो व्हाट इज मैक्का फॉर मुस्लिम्स एंड व्हाट इज वेटिकन फॉर क्रिश्चियंस वुड बी अक्षरधाम फॉर हिंदूज. दूसरा बड़ा अक्षरधाम अभी आपने न्यूज में सुना होगा, पिछले महीने अबुधाबी में यूए में बन रहा है. भारतवर्ष का, हिंदू संप्रदाय का, हमारी पूरी भारत मातृभूमि का कोई भी संप्रदाय का सबसे बड़ा स्थान कन्वेंशनल, वो जो मिडल ईस्ट में बनेगा, अरब देशों में बनेगा, वो यूएई में ये बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर बनेगा. उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, मतलब खात मुहूर्त, हमारे गुरुहरि महंत स्वामी महाराज अभी एक महीने के बाद करने के लिए अबुधाबी जा रहे हैं. तीसरा बड़ा कैंपस बनेगा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, और चौथा बनेगा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में.
ये प्रमुख स्वामी महाराज का विजन था। ये मैंने आपको वेलिंगटन की बात बताई, मैंने आपको बिल गेट्स की बात बताई, मैंने आपको प्रमुख स्वामी महाराज की बात बताई, यही बात हमारे हृदय में दृढ़ कर रही है कि अगर हम विचार स्पष्ट और ऊंचे रखें और उस विचार के अनुसार हम प्रयत्नशील हो तो जरूर कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिल सकती है। देन योर लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। विदाउट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, विदाउट द हाइट ऑफ योर थॉट्स, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज विदाउट पायसनेस ऑफ योर थॉट्स, आपके विचार की पवित्रता के बिना आप यहां तक नहीं पहुंच सकते। प्रमुख स्वामी महाराज को किसी ने पूछा कि कौन सा विचार आपके मन में हमेशा रहता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि जो विचार मुझे मन में कभी नहीं आया वो मैं बताऊं, एंड दैट वॉज मोर इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। इसको विचार की पवित्रता बोलते हैं। शुद्ध भावना से आप